Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सुमिंग गोस्वामी प्रेजेंट हो गया. फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोगों ने इस पतंग को बनाया. और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये पतंग जो हमने बनाया है इस तरह के फॉइल से, और ये देखिए जिसके अंदर आप अपना रोटी वगैरह पैक करते हैं और खाना वगैरह पैक करके लेके जाते हैं, ऑफिस स्कूल वगैरह लेकर के जाते हैं ऐसे फॉइल पेपर से. पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो ये फॉइल पेपर था अच्छा नहीं था, बिल्कुल एकदम मुड़ा तुड़ा है. आप देख सकते हैं ये फॉइल पेपर का हालत देखिए कैसा है. तो इस करके फ्रेंड्स ये पतंग भी बिल्कुल मुड़ा तुड़ा बना है. आप देखिए पतंग में बिल्कुल एकदम पूरा सिलबट्टा आ गया, चारों तरफ सिलबट्टे आ गए. और फ्रेंड्स इस पतंग को हमको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बनाना पड़ा क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा बंदर वंदर आने लग गए हैं. फ्रेंड्स अब ये बंदर ना ब्लैकमेलिंग करने लग गया. अभी देखिए ये केला खा रहा है बैठ करके. और ये देखिए मैं यहाँ पे काम कर रहा था, सारा मेरा ये फाड़ फूड़ दिया इसने, सारा के सारा फाड़ दिया और उधर चला गया, वहाँ पे आराम से बैठ गया. इसके चार पांच साथी भी हैं, वो इकट्ठे आते हैं यहाँ पे और आकर के बदमाशी करते हैं. ये देखिए मेरा सारा सामान सुमून सब फाड़ के रख दिया. फ्रेंड्स इतनी अच्छी पतंग बना रहा था मैं. और इस करके जो है हमारे को फटाफट फटाफट काम निपटाना पड़ा. तो चलिए फ्रेंड्स इस पतंग को हम लोग फिर से एक बार बनाएंगे और अच्छा फॉइल पेपर लेके आएंगे. जैसे ये इसमें सिलवट पड़ा हुआ है, अगली बार हम जो है प्रेस फॉइल लेकर के आएंगे तो उसमें सिलवट वगैरह नहीं होगा, तो ये पतंग बिल्कुल स्मूथ बनेगी. अभी फ्रेंड्स बस हमको ये चेक करना है कि पतंग उड़ने में कैसी है और आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा. बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है फ्रेंड्स. इस पतंग का नाम हम लोगों ने मेटल मॉन्स्टर काइट रखा है, और मेटल मॉन्स्टर काइट इसका हम लोगों ने नाम सोचा हुआ है. और ये देखिए क्योंकि ये दिखता मेटल की तरह ही है, और इसको अब हम लोग उड़ा करके देखते हैं कि उड़ने में कैसा है. तो इसको उड़ाने के लिए हमको ऊपर वाले छत पे जाना पड़ेगा, यहाँ से उड़ा नहीं पाएंगे. तो चलिए फटाफट हम लोग ऊपर वाले छत पे पहुँचते हैं और वहाँ पे पहुँच करके इसको उड़ा करके देखते हैं. और इसकी इस फ्रेंड्स इस पतंग को हम फिर से बनाएंगे और प्रेस फॉइल पेपर से बनाएंगे. जिस तरह से ये सिलबट्टे आए हैं तो अगली बार नहीं आएगा. फ्रेंड्स हम लोग छत पे आ गए हैं और इसको अब हम लोग उड़ा करके देखेंगे. थोड़ा सा इसका झप मोड़ लिया जाए, और झप मोड़ना ज़रूरी होता है. और अभी हम लोग इसको उड़ा करके देखेंगे कि उड़ने में कैसा है. वाओ, ये तो डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स. जा रही है फटाफट फटाफट. मैं बोलूँगा कि DSLR कैमरे से दिखाए इसको क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा दिखेगा. चक्कर सही है भाई, चक्कर सही है. बहुत चील आ गए, बहुत ज़्यादा चील आ गए हैं. इतने चील आ गए फ्रेंड्स. DSLR कैमरे से दिखाने के लिए मैं बोलूँगा. और स्पीड काफ़ी अच्छी है. वाह क्या बात है फ्रेंड्स. अब आप DSLR कैमरे से देख रहे हैं और इसको मैं काफ़ी दूर ले जाऊँगा और इसके सारे चक्कर वगैरह. राइट चक्कर ओके एंड लेफ्ट चक्कर ओके, झप ओके, झप भी ठीक है, स्पीड ठीक है, बहुत बढ़िया स्पीड है. 90 डिग्री क्रॉस कर गया, यानी हमारे सर के पीछे चला गया. अब यहाँ से हम इसको चक्कर दे रहे हैं चक्कर, और यहीं से अब जो है डाउन गद्दा मारेंगे यानी ज़मीन की तरफ. ये झप भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स इसका, इसका झप बहुत मस्त है. ये झप मार करके बहुत पतंगों को काटेगा. अभी आप फिर से एक बार झप चेक करिएगा इसका. ये देखिए फ्रेंड्स झप बहुत ही अच्छा है इसका, और तुरंत उठ भी जाता है. स्पीड बहुत फाइन है, फैंटास्टिक स्पीड है. अगेन राइट चक्कर ओके, डांस करता हुआ राइट चक्कर, स्मूथ राइट चक्कर, डांस करता हुआ राइट चक्कर, स्मूथ राइट चक्कर. ओ चील भाग गया, अच्छा हुआ भाग गया. ये एक बुढ़ा चील है और एक बुढ़ी चील है, ये दोनों ही बहुत बदमाश है फ्रेंड्स. और अभी इन बुढ़ा बुढ़ी चील ने जो है अपनी 25th सिल्वर एनिवर्सरी मनाई है. बहुत ही अच्छा जब है फ्रेंड्स. चील पंगा लेने के लिए आएगा अभी थोड़ी देर में, देख तो लिया है. अब वो आइडिया लगा रहा है कि इसके साथ क्या किया जाए.
आ गया चील, भगा दिया उसको फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग इसको उतार लेते हैं और ठीक है इसका खींच उस ठीक है सारा सब कुछ चेक कर लिया। अब कमेंट बॉक्स में आपने आकर के ये बताना इसकी ये डिज़ाइन कैसी लगी आपको। फ्रेंड्स अब इसको हम लोग पूरा उतार लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोगों ने उतार लिया। डिज़ाइन कैसा है लग रहा है आपको डिज़ाइन के बारे में बताइएगा कमेंट बॉक्स में आकर के। अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो इस पतंग को हम लोग फिर आगे कभी बना करके दिखाएंगे। और इसका झप वगैरह स्पीड वगैरह सब कुछ अच्छा है, बैलेंस भी बहुत अच्छी है। बस इसमें जो फॉइल पेपर लगा हुआ है उसमें सिलवट आ गई है, तो अगली बार जो है हम लोग फ्रेश फॉइल पेपर से इसको बना के दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग ये वीडियो बंद करते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम काइट फ्लायर सोमेन घोष, जी यही नाम है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।